दोस्तों, आज मैं आपको नोट मेकिंग बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, नोट मेकिंग में आपको जो भी पैसेज दिया गया है उसको आप तेजी से पढ़ते हुए, जो भी आपको उसमें मेन मेन बातें या मेन मेन पॉइंट्स या सेंटेंस लगें उसको आपको पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और ये भी समझना है कि वह पैसेज किस बारे में है या उस पैसेज में क्या क्या बताया जा रहा है या वह किस विषय पर है। जैसे क्या वह कंप्यूटर के विषय पर है, क्या वो इंटरनेट के बारे में है, क्या वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में है, या एजुकेशन के बारे में है, या क्राइम या हेल्थ, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है वो आपका जो पैसेज है। तो ये आपको उस पैसेज को पढ़ते हुए अंडरलाइन करते हुए समझना भी है ताकि आप उसका टाइटल सही से समझ सकें और फिर लिख सकें। जब आपको पैसेज समझ में आएगा कि किस विषय के ऊपर है, किसके बारे में है, तभी आप उसका टाइटल, उसका हेडिंग बना पाएंगे। और जो भी आपको उसमें मेन मेन उस पैसेज में बातें लगे उस पे आप जरूर अंडरलाइन कर लें। दूसरा काम आपको ये करना है, फिर आपको जो भी आपने मेन मेन पॉइंट्स या बातों पर जो अंडरलाइन किया है उसी में से छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते हुए हेडिंग और सब हेडिंग्स बनानी होती है। और तीसरी बात दोस्तों, आपको हेडिंग और सब हेडिंग बनाते समय कंप्लीट सेंटेंस या लंबे लंबे सेंटेंस या लाइनें नहीं लिखनी चाहिए। उसमें आपको ग्रामर का पूरा पूरा यूज नहीं करना चाहिए, जैसे ए एन और इज एम आर वॉज वर, इन सब का यूज कम से कम या जहां बिल्कुल जरूरत पड़े वहीं लिखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको टू द पॉइंट और ज़्यादा ग्रामर का यूज ना करते हुए हेडिंग और सब हेडिंग बनानी चाहिए ताकि आपका नोट मेकिंग की तरह लगे। ठीक है, आपको पूरे पूरे लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी होती। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्रामर का इस्तेमाल या यूज़ नहीं करते हैं और टू द पॉइंट छोटे छोटे लाइन का यूज़ करते हुए, छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करते हुए हेडिंग और सब हेडिंग बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसमें इस वाले ये जो पोर्शन है, ये जो आपका इधर आपको टाइटल शो करना है, इस वाले पोर्शन में आपको ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है, टू दी पॉइंट और छोटे छोटे सेंटेंसों का यूज़ करते हुए हेडिंग और सब हेडिंग लिखनी है। ठीक है, एब्रीवेशन इस तरीके से कम 4 दिखानी होती है। देखो ये मैंने कर भी रखा है, ये चीज़ आप इधर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कम से कम जो है इसमें 4 शो करनी होती है। और फिर समरी दिखानी है आपको, समरी जो है आपको 80 वर्ड्स में लिखनी है। और ये आप बॉक्स में भी बना सकते हैं और विदाउट बॉक्स भी लिख सकते हैं, और इसमें विद ग्रामर आपको लिखना है। तो ये जो भी, ये जहाँ से भी आपने ये चीज़ें लिखी थी उसी, जो भी आपने इसमें लिखा था इसमें, मतलब ये जो भी जहाँ से भी आपने मेन मेन बातें इसमें लिखी थी उसी को आपको अपनी लैंग्वेज में बना करके इस समरी में लिखना होता है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप मतलब पैसेज में से स्टार्टिंग से एक दो लाइन लिखते हुए, फिर बीच की कुछ लाइनें, दो चार लाइनें लिखते हुए, और फिर एंडिंग की दो चार लाइनें लिखते हुए ख़त्म कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एब्रीवेशन हम कैसे लिखें। तो एब्रीवेशन लिखने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एब्रीवेशन यूज्ड, तो जिसके पीछे ING लगे उसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, जिसके पीछे शन लगे आप उसको ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, सन लगा हुआ है TION, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं। जिसके पीछे AL लगा हो, जैसे नेचुरल, इंटरनल, आप ऐसे लिख सकते हैं। और जिसके पीछे मेंट हो, जैसे देखो मेंट, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। जिसके पीछे ED लगे उसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, और एंड को आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आपके स्कूल में जो टीचर बताते हैं वो कुछ ऐसे भी बताते हैं, वो देख लेते हैं। एब्रीवेशन यूज्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डेफिनेशन है तो आपने DEF डॉट कर दिया, इम्पॉर्टेंट है IMP डॉट कर दिया, इमोशन है EMO डॉट कर दिया, एजुकेशन EDU डॉट, हैप्पीनेस HAPP डॉट। तो दोस्तों आप ऐसे भी एब्रीवेशन लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। या आप मिक्स भी करके लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख लें, कुछ वैसे लिख लें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ
कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं, और मैं एक विद एग्जांपल भी कल परसों में ज़रूर डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।